वो कमजोर पड़ जाता है जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बात करें राकेश 007 की तो उन्होंने डाउन कर दिया है कूल किलर ब्रो को। तो इनकी टीम में हॉक्स देखते हैं हॉक्स यहाँ पे क्या करती है। और राकेश की बात करें राकेश में अरुण और आई बचा तो इन लोग का परफॉर्म देखने वाला है कैसा होने वाला है। स्टार्टिंग में तो इनके बीच में फाइट हो गई है टीम नंबर 12 से मार्च इलेक्ट्रिक में चल रही है फाइट। देखा ये रॉयल ग्रुप को एलिमिनेट कर दिया है यहाँ पे हॉक्स ने। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में इनकी देखने को मिली है। एस्ट्राजल एसएनआ ये सब जो है अभी टीम हॉक के पास है। टीम हॉक से लड़ाई होने वाली है थोड़ा सा बैकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखना ये इन दोनों टीम में से कौन यहाँ पे आगे तक जाने वाला है। इस टीम को यहाँ पे काफी अच्छा डैमेज दे दिया गया लेकिन ये नहीं जानते क्योंकि स्कॉर्ड वहाँ पे ये भी काफी अच्छा डैमेज ब्लैक हॉक को यहाँ पे डाउन कर दिया गया है। खत्म करने की कोशिश रहेगी लेकिन नहीं कवर पे यहाँ पे आ गए। आई थिंक काफी जल्दी रश कर दिया इन्होंने पीक एंड फायर थोड़ा सा लेट कर दिया वरना ये डाउन नहीं होते। तो अगर हम लोग यहाँ पे गुरकिलर के बारे में बात करें तो उनके टीम में वापसियों भी हैं जो कि उनके साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट करने गए थे टीम इंडिया को। तो यहाँ पे देखते हैं कि उन लोगों का जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे ये कैसा रहता है परफॉर्मेंस कैसा रहता है। यहाँ पे उसके बाद स्प्रे किया वो तो कमाल का था हेडशॉट यहाँ पे राकेश जो की जाने जाते हैं हेडशॉट स्किल्स के लिए उन्होंने यहाँ पे दिखा दिया है कि हाँ भाई हम अब भी हमने वही दम है जो पहले था। और बिल्डिंग हेडशॉट का यहाँ पे ट्राइबल सोल को मजा चखाया टेस्ट चखाया ये जायका जो इन्होंने टेस्ट किया है ये फिर से टेस्ट करना नहीं चाहेंगे क्योंकि मुझे लगा अगली बार अगर ऐसा होगा तो फिर इनकी टीम बचने वाली बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे ब्लैक हॉक को काफी ज्यादा यहाँ पे डैमेज पड़ रहा है। आई थिंक ब्लैक हॉक को थोड़ा सा रश करने में सोचना चाहिए। और यहाँ पे खत्म कर दिया गया है ट्रबल सोल को एलिमिनेट कर दिया गया है यहाँ पे राकेश जो ब्लैक मतलब हॉक टीम है। तो काफी अच्छा यहाँ पे टीम वर्क देखने को मिला यहाँ पे पूरी स्क्वाड टीम के तीन बंदे जो है राकेश हो जाता है क्या यहाँ पे हॉक्स की टीम एलिमिनेट होती है क्योंकि वो भी नीचे टोटली रश कर दिया गया हॉक्स की टीम की तरफ से। और यहाँ पे जो अरुण है इनके डाउन हो गए तो यहाँ पे देखते हैं क्या कर पाते हैं बचा पाते हैं कि नहीं। वन यहाँ पे एलिमिनेट कर दी गई है हॉक्स के द्वारा तो बिल्कुल यहाँ पे बचा लिया गया। लेकिन मैंने कहा था जैसे कि ये सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है कि आपने एक टीम को खत्म किया उसके बाद जस्ट आपकी दूसरी टीम आपकी तरफ रश कर जाए तो ये जो सिचुएशन आती है ये काफी ज्यादा डेडली सिचुएशन होती है इससे थोड़ा सा निकलना मुश्किल हो सकता है। पर यहाँ ब्लैक हॉक जो है और जो ये राकेश है ये होल्ड करे हुए हैं लोकेशन और कोशिश यही कर रहे हैं कि बच जाए लेकिन लॉर्ड ऑफ ब्लड नई मैच तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। हम लोग तो यहाँ पे रश करेंगे। आई बचन की बात करें बेहतरीन ब्लू वॉल का यूज दोनों तरफ से कर दिया है ब्लॉक और देखना यह यहाँ पे फिर से राकेश को दे दिया है रिवाइव ब्लैक हॉक को भी दे दिया है रिवाइव और दोनों टीम के प्लेयर्स हैं। हिटमैन की बात करें हिटमैन दूर से मजे ले रहे हैं अरे भाई दो टीम आपस में लड़ रहे हैं तो दूर से हम यहाँ पे मजे लेंगे। राकेश को यहाँ पे कर दिया गया है एलिमिनेट और हॉक टीम है उसको सबसे ज्यादा यहाँ पे फायदा देखने को मिलेगा क्योंकि वो घर में है और अगर आप घर में हो तो आप सबसे अच्छी जगह पे आपको ना ग्लू वॉल लगाने की चिंता ना कुछ चिंता किलिंग स्प्रे यहाँ पे दिया जाए। राकेश ने यहाँ पे दो बंदों को डाउन कर दिया खत्म कर दिया हिटमैन स्क्वाड जो कि ऊपर से टीम आ रही थी और यहाँ लॉक दिख रही है वो बिल्कुल कर सकती है। यहाँ पे बराबर का मुकाबला है 3-3 कौन जीतेगा अभी तक कोई नहीं जानता। पूरा गेम तो अब देखने के बाद ही पता चलेगा। टीम क्रेजी यहाँ पे थोड़ी कमजोर पड़ती नजर आ रही है और यहाँ पे जो हमारे राकेश उन्होंने बहुत बढ़िया यूज किया कवर का लेकिन खुद भी हो गए ब्लैक हॉक डाउन। राकेश अभी भी अलाइव है कोशिश यही रहेगी कि खत्म का जो खत्म भी कर दिया टीम क्रेजी को जो हमारी यहाँ पे विनर टीम मिली है फर्स्ट गेम वो है हॉक यानी जो राकेश जो ब्लैक हॉक आई बचर अरुण तो इन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन आपने फर्स्ट गेम को पूरा कर लिया है बहुत ही बढ़िया टीम से साथ पूरा किया है। आपके बाजी हो रही है और 110 यहाँ पे डैमेज भी दे दिया और यहाँ पे गन वाला बंदा मुक्त वाले बंदे को भाग रहा है जो कि वहाँ देखने लायक है और यहाँ पे काफी से डैमेज दिया था लेकिन इनकी हेल्थ पूरी खाई गए हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा कवर यहाँ पे जो हॉक टाइप बंदा है डाउन कर दिया गया है तो उनको गन नहीं मिली होगी ये भी मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पे राकेश का अच्छा स्प्रे और ये क्या नाम है डैमेज यहाँ पे एक बंदे को खत्म कर दिया गया है। अर्जुन को यहाँ पे डैमेज कर अरुण ने यहाँ पे डैमेज कर दिया गया मतलब यहाँ पे डैमेज कर दिया अरुण ने तो यहाँ पे देखिए कौन इस पर एलिमिनेट करती है ब्लैक हॉक भी यहाँ पे डैमेज हो चुके हैं और जो खत्म कर दी गई लॉट्स ऑफ गन यहाँ पे न्यूज के लीडर बन चुके हैं। तो आई थिंक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पूरी स्क्वाड इनकी एलिमिनेट होने वाली था हॉक क्योंकि आई थिंक जब ये जानते हैं कि बंदे उतर रहे तो मे भी उनको उस जगह नहीं उतरना चाहिए बहुत साइड में उतरना चाहिए था साइड में उतर लेकिन ये उनकी स्ट्रेटजी है वो अपनी स्ट्रेटजी से स्टिक है। पिछले गेम में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था तो इस बार कॉन्फिडेंस लेवल काफी ज्यादा था बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिजल्ट अलग देखने को मिल रहा है। बट अरुण की बढ़िया परफॉर्मेंस डाउन कर दिया यहाँ पे लॉर्ड ऑफ गन्स के जो ओडी है इनको हॉक्स यहाँ खत्म हो चुकी है। तो भाई जैसे कि हमने कहा था अगर आपने पहले गेम में किया है भूया के खत्म कर दिया यहाँ पे गुरकिलर के बाद आज आपको खत्म कर दिया यहाँ के हॉक्स के राकेश ने तीन किल कर चुके हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस है उनकी और एक्सट्रीम स्क्वाड देखे तो भाई रश करके जो ये है पहले गेमर जो भी स्प्रे कर रहे हैं बेहतरीन अरुण हो चुके हैं डाउन हॉक के
तो देखना ये क्या वो बचा पाएंगे राकेश को या फिर कोई वही छोड़ देंगे। यहाँ पे ब्लैक हॉक को डाउन कर दिया, बेहतरीन अभी 40 का स्प्रे हेडशॉट पड़ा ब्लैक हॉक को और पूरा खत्म भी कर दिया। बहुत अच्छा टीम वर्क यहाँ पे देखने को मिला, हिटमैन यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है और अरुण जो है शॉट गन का यहाँ पे अच्छा यूज देखने को मिला, तो क्या पता एक्सट्रीम स्पॉट यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया राकेश को। यहाँ पे जोन से बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था, अरुण हो गए डाउन, उज्जवल भी हो गए डाउन, बराबर का मुकाबला एक एक मेंबर दोनों के डाउन, 3 वर्सेस 3 सिचुएशन है। यहाँ पे जंप करके अभी 40 से ब्लैक हॉक ने कर दिया बेहतरीन स्प्रे, एक और मेंबर हो गया है डाउन, देखना ये कौन सी टीम यहाँ पे एलिमिनेट होनी है। तो अरुण भी डाउन है, देखना एक मेंबर डाउन है, यहाँ पे ब्लैक हॉक की एनर्जी काफी कम है मुझे लग रहा है, वो भी डाउन हो जाएंगे। राकेश भी हो गए डाउन, MP40 का बेहतरीन स्प्रे, रिवाइव देंगे, मेडिकेट भी नहीं है उनके पास तो रिवाइव देते हैं, साथ यहाँ पे मुझे लग रहा है ग्रेनेड भी आ गया, वापस भागेंगे कवर की तरफ और निकाल लेंगे हाथों में जो क्लोज रेंज वेपन है। और उनकी जो अपोनेंट टीम थी अननोन, वो भी पुश कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि बस किसी तरीके अपने प्लेयर को बदल यहाँ पे फिर, लेकिन राकेश रहा नहीं गया, वो बंदे को स्पॉट करके यहाँ पे मार रहे हैं। तो आई थिंक पूरा डैमेज देने की कोशिश, प्रिसाइज प्लेयर है ये, काफी अच्छा डब्ल्यू जी रैपर को यहाँ पे खत्म कर दिया, पूरा खत्म करने की कोशिश की, हाँ जी पूरा खत्म कर दिया, क्वार्टर लेकिन यहाँ पे कर दिया, ये रॉन्ग मूव है। देखते हैं कौन जिसको डोमिनेट करता है, जीआर किंगडम को बहुत ज्यादा डैमेज यहाँ पे राकेश की तरफ से, नहीं यहाँ पे 20 को डैमेज दिया और खत्म कर दिया गया। ट्रिपल जी अपनी जो रैंक है वो बहुत अच्छा बचा पाएंगे और यहाँ पे एक बंदे को भी खत्म कर देंगे, पूरा खत्म कर देना चाहिए, मे बी 190 किल चोरी हो नहीं तो देखते हैं सामने किला यार मारो खत्म करो 20 पॉइंट अपने झोले में डालो। टीम क्रेजी को एलिमिनेट कर दिया आई बचर, यानी कि जो टीम हॉक है उसने डाउन से गोलियां पड़ रही है, लेट जाएंगे प्रोन कर लेंगे, बढ़िया स्ट्रेटजी प्रोन कर लेगी राकेश के थ्रू और हिटमैन को अब तो एम नहीं मिलेगा, आगे पुश कर रहे जो जोन है भाई, अब मुझे लग रहा है काफी मुश्किल हो जाएगा राकेश के लिए यहाँ पे निकलना। और लेकिन ये चीज ऊपर हाँ बिल्कुल नहीं, बचना तो मुश्किल होगा, मुझे लग रहा है यहाँ पे खुद को एलिमिनेट कर लेंगे, पॉइंट्स नहीं देंगे क्योंकि 700-800 पॉइंट्स आगे हैं नंबर 2 की टीम के। अगर इनके यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया उनकी जो स्कोर है वो आई थिंक यहाँ पे 1600 पार कर दिया गया, यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने, 4 किल कर दिया ब्लैक हॉक ने, करिए 3 किल आई बचे ने, करी 1 किल बाकी राकेश अरुण ने बेहतरीन कवर दिया और 4 किल तो डाउन कर दिए गया। मिस्टर गेमर की तरफ सेटिंग लग रहा है और यहाँ पे शाहिद को भी डाउन कर दिया गया, तो वासियों को बहुत गंदा यहाँ पे डैमेज पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो टीम है बहुत गंदा यहाँ पे फंस गई है टीम मुशाद, इसको हील करने की कोशिश रहेगी लेकिन काफी लेट हो गए अरफर सिंह भी यहाँ पे, और कोशिश करेंगे कि टॉप 3 या टॉप 2 तक भी जा सके। यहाँ पे डैमेज हुआ लेकिन यहाँ पे अरुण ने डैमेज नहीं दिया, किसी और ने यहाँ पे डैमेज दिया, आई थिंक राकेश ने हेडशॉट मारा है उनको, तो देखते पूरा खत्म कर पाएगा नहीं। ब्लैक हॉक ने यहाँ पे इनको फोड़ा, बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया। मैं तो कहता हूँ अगर आपके पास कभी भी लाल ड्रम होता है तो वो उसके अंदर का जो तेल रहता है उसी से यहाँ पे गोलियां फटती हैं, तो अगर आप उसको अगर आप उस ड्रम को नहीं छोड़ते तो जो ड्रम होता है बाद में आपका तेल निकाल देता है। हाँ वो ड्रम जो ऑयल है उसका जो एक्सप्लोजन होता है इससे तो बिल्कुल बच के रहना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा उसकी एक्सप्लोजन रेडियस होती है जिससे आप डाउन हो सकते हो। यहाँ देखे तो भाई लॉट ऑफ गन एलिमिनेट हो चुके, 4 टीम जस्ट बची है, हॉक तो कमाल मचा रहे 12 के लिए भी बचन के बढ़िया प्लेयर है, क्योंकि अगर आप उस लेवल के टूर्नामेंट जाकर खेलते हो तो आपको यहाँ पे लाखों लोग देखते हैं और आपका यहाँ पे नाम बन जाता है जब आप लोग यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, तो यहीं पे जो यहीं से मतलब एक तरीका होता है प्लेयर्स को आगे उठने का, यहीं से प्लेयर को पहचान मिलती है अपनी कि हाँ भाई मैं ये प्लेयर चैंपियन। यहाँ पे 4 जो है ये पगले जीआर जो है जीआर किंगडम के, तो ये डाउन हो चुके हैं, अब देखना ये जीआर किंगडम यहाँ पे पोजीशन मेंटेन करके रख पाती है सेकंड ईयर वाचियो जो है वाचियो क्या वहाँ पहुंच पाएंगे कवर तक, और कवर तक पहुंच गए ये उनके लिए बहुत ही बढ़िया चीज है, कवर तक पहुंच गए वहाँ पे आराम से हील करेंगे, तो हो सकता है वो सेकंड पोजीशन मेंटेन कर ले क्योंकि यहाँ पे जो फाइट होने वाली है टीम 2 वर्सेस जीआर किंगडम के जो लास्ट सर्वाइविंग मेंबर है जीआर फाइटिंग उनसे होने वाली है, तो लास्ट जो मेंबर बचे वो है यहाँ वाचियो, खुद को कर लेंगे एलिमिनेट नहीं देने वाले। बहुत अच्छा डिसीजन यहाँ पे लिया गया वासियो की तरफ से, अगर वो चाहते तो एक किल ले सकते थे, और अब मुझे लगता है कि जो हॉक्स है वो कंफर्म कर चुकी है अपनी जगह दिल्ली के लिए। दो बूया यहाँ पे किया गया, बहुत अच्छा टीम वर्क यहाँ पे राकेश ब्लैक की, और आपका जो इतनी बड़ी मौका इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी तो आप मिस कर सकते, बहुत अच्छा स्प्रे यहाँ पे राकेश की तरफ से MP40 का, हिटमैन यहाँ पे मुझे लगता है एलिमिनेट होने वाली है, चारों तरफ से यहाँ पे घेर लिया हॉक्स ने और यहाँ पे हील कर रहे हैं अपने प्लेयर को, लेकिन इस सिचुएशन में हील करना मुझे समझ नहीं आया और मुझे लगता है हिटमैन की स्क्वाड एलिमिनेट कर दी गई है, तो काफी अच्छा यहाँ पे रन हो गए लेकिन उनकी किल्स अच्छी खासी थी, तो अभी भी कुछ नहीं कह सकते कौन टीम यहाँ पे आने वाली है, बहुत ज्यादा मजे आ रहे हैं, टीम क्रेजी हो गई है डाउन, मिस्टर गेमर यहाँ पे डाउन है टीम नंबर 2 यानी कि जो टीम हॉक है यहाँ पे आ चुकी है बवाल मचाने हमेशा की तरह, आई बचर जो है वो बहुत ही कम एचपी क्लच बचा है उनका, और ये देखो बेहतरीन
डाउन कर दिया, क्रेजी ने डाउन कर दिया। यहाँ पे अरुण को क्या खत्म कर पाएंगे? नहीं, पीछे से फुल यहाँ पे राकेश ने कवर कर। नहीं भाई, मेरे दोस्त को तुमने हाथ कैसे लगाया, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। लेकिन जो अरुण के यहाँ पे मोसाद वर्सेस हॉक होने वाला है, हो गया फिर से। ये दूसरी बार हमारा सामना हुआ इन लोगों की टीम का। आप पिछली बार तो थोड़ा सा यहाँ पे अनफेयर फाइट हुई थी, बीच में सैंडविच बन गई थी टीम मोसाद। इस बार मुझे लग रहा है फेयर फाइट होने वाली है, फोर वर्सेस फोर की। बहुत ही मजे आने वाला है, देखना ये कौन यहाँ पे मारता है। बढ़िया स्प्रे यहाँ पे अरुण के ऊपर, यहाँ पे शाहिद का बहुत बढ़िया स्प्रे था। काफी अच्छा गेम प्ले देखने को मिला। यहाँ पे मेडिकेट लगाएंगे, यहाँ पे लेट हुई है, शायद तकलीफ लेट नहीं देता उन्होंने। और देखना ये कि क्या अरुण यहाँ पे डाउन कर पाएंगे सबको। ऊपर जा रहे अर्पत सिंह, अर्पत सिंह के लिए थोड़ी सी मुसीबत हो सकती है क्योंकि यहाँ पे बैकआउट कर चुके हैं। शायद बैकआउट करके पीछे चलेगा, पीछे से घूम के आएंगे क्योंकि जानते हैं सामने से लड़ना मुश्किल है। शायद अकेले यहाँ पे फंस गए थे, बहुत बुरी तरीके से फंस गए। अच्छा अरुण डैमेज अच्छा दिया था, बट यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाए। पूरा खत्म करने की कोशिश रहेगी, लेकिन यहाँ पे टीम मोसाद एलिमिनेट हो चुकी है। अब ये भी बेचारे अकेले मेंबर बचे हुए हैं, क्या करते हैं। देखिए पहले टीम मोसाद एलिमिनेट हुई, उसके बाद हिट स्क्वाड एलिमिनेट हुई, तो ये हिट स्क्वाड के लिए थोड़ा सा मतलब एक एडवांटेज हो सकता है, खुशी की खबर हो सकती है। बात करें ऑफ हॉक को डाउन कर दिया, अरुण को डाउन कर दिया। यहाँ पे टीम खेलती है मॉन्स्टर अकेले सर्वाइवल थे, लेकिन यहाँ पे कहते हैं ना भाई मैं अकेला कर दूंगा, लेकिन कमाल करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे एक छक्का एक शॉट पड़ा है तो उससे मॉन्स्टर थोड़े से परेशान हो गए, घबरा गए होंगे कि यार ये डब्बू है कहाँ से मिल गई इसको। यहाँ पे काफी अच्छा एम यहाँ पे किया जा रहा है, पूरा भागने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर एक और शॉट पड़ा तो वो खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पे बच्चर आ चुके हैं, पूरा खत्म करने की कोशिश करेगी शॉट बन रहा है इससे। और यहाँ पे किले की बच्चर किया गया, खत्म कर दिया, कोई फायदा नहीं। अलग अलग फैन से मारेंगे, फैन से मारने की कोशिश करेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे MP40 से खत्म कर दिया। नहीं हॉक तो पैन ही चला रहे थे, वो बारंग चला रहे थे, बारंग चला रहे थे। तो लास्ट का जो धुआं किया ये भी किया, का जो धुआं किया ये भी किया है हॉक टीम ने, तो बहुत ही कमाल का अच्छा परफॉर्मेंस था, बहुत कमाल का परफॉर्मेंस था हॉक का, बहुत ही कमाल का। तो इनके लिए तो भाई तालियां बनती है, कमाल का गेम प्ले देखने को मिला टीम हॉक के द्वारा। और ये तो टीम लिया जो कि हुआ था परगेट में, तो उसको हॉक से यहाँ बंदा की गेम किए। फाइनली वो मोमेंट आ चुका जो हमको पता नहीं, जो टीम है जो